नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक विधि में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ परवल का बहुत ही नए तरह की रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम परवल। परवल को पहले बढ़िया से धो लेंगे। धोने के बाद इसको इस तरह से दोनों साइड से काट कर हटा देंगे और इसको हल्का हल्का चाकू से इस तरह से छील देंगे। इसका मोटा छिलका जो भी होगा वो निकल जाएगा। तो सभी परवल को इसी तरह से छील लेंगे। अब एक परवल लेंगे और इसको इस तरह से बढ़िया से छीलेंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा दूर पर छोड़ करके बढ़िया से छीलेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बार और छील करके दिखाती हूँ। तो इसको थोड़ा थोड़ा दूर पर इस तरह से छोड़ करके छीलेंगे। तो बाकी के सारे परवल को इसी तरह से छील लेंगे। अब एक परवल लेंगे और इसको दो टुकड़ा करेंगे। तो इसको बराबर से दो टुकड़ा में कट कर लेंगे। अब एक टुकड़ा लेंगे और इसको पतला पतला इस तरह से कट करेंगे। तो इसको बहुत ही पतला पतला काटेंगे। तो सभी परवल को इसी तरह से काट लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो हमने सभी परवल को काट करके रख लिए हैं। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल इस तरह से काटे हैं। तो देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इसे बनाने में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी को इसी तरह से काट करके रख लेंगे। अब इसको हम एक बड़ा सा प्लेट में पलट लिए हैं। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। बाकी का मसाला हम बाद में यूज करेंगे। अब इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि सभी में मसाला अच्छे से मिक्स हो। तो देखिए हमने इसको मिक्स कर लिए हैं। तो चलिए अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। अब इसमें परवल डाल देंगे। डालने के बाद इसको बढ़िया से इस तरह से फैला देंगे। 3 मिनट के बाद इसको दूसरे साइड पलटाएंगे। तो सभी को एक एक करके पलटाएंगे और इसको बीच बीच में इस तरह से उल्टाते रहेंगे। इसे उल्टाते पलटाते दोनों साइड से बढ़िया से तलेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड से बढ़िया से फ्राई हो गया है। इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये बढ़िया से पक गया। अब इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए इसको बिल्कुल इस तरह से फ्राई करेंगे। अब फिर से कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे और एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करके डालेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। अब मसाला को बढ़िया से भूनेंगे। मसाला को 3 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। अब इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये बढ़िया से उबल गया है। अब इसमें भुना हुआ परवल डाल देंगे। डालने के बाद इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको 3 मिनट तक मसाला के साथ पकाएंगे। तो ये अच्छे से पक गया और इसका पानी भी सूख चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आज का भरवा परवल की सब्जी बनकर तैयार है। तो दोस्तों आज का रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।